हेलो फ्रेंड्स, हंसवाणी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आप लोगों का दोस्त वरुण भाई। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा ओप्पो A3s एंड्रॉइड फोन में iOS 15 थीम को आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, मैंने हमारे एंड्रॉइड फोन में iOS 15 थीम को अप्लाई कर चुका हूँ। दोस्तों, अगर आप भी आप अपने एंड्रॉइड फोन में iOS 15 थीम को अप्लाई करना चाहते हो तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए, वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत कीजिए। और दोस्तों, ये जो थीम मैं आप लोगों को अप्लाई करना बता रहा हूँ, सिर्फ आप ओप्पो A3s नहीं, आप सभी एंड्रॉइड फोन में आप अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आप अगर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ घंटी के बटन है उसे और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे हर अपडेट वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले। दोस्तों, अप्लाई करने से पहले मैं आप लोगों को इस थीम के बारे में बता देना चाहूँगा। तो यहाँ पे आपको देखने को मेरा देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने इस थीम के अप्लाई किया है। अप्लाई करने के बाद आपको इस तरह का आपको इंटरफेस आपको देखने को मिलेंगे, जो कि आपको अपने एंड्रॉइड फोन में इस थीम के अप्लाई करोगे तो इसी तरह से आपको इंटरफेस आपको देखने को मिलेंगे। और दोस्तों, यहाँ पर जो आपको देखने को ऐप का आइकन भी पूरी तरह से चेंजेस हो चुके हैं। तो देख सकते हैं ओप्पो A3s एंड्रॉइड फोन में जो ऐप का आइकन होते हैं वो पूरी तरह से अभी iOS 15 थीम में यहाँ पे चेंज हो चुके हैं। और दोस्तों, अगर आप लॉक स्क्रीन की बात करें तो मैं आप लोगों को लॉक स्क्रीन को भी दिखाता हूँ। देखिए, तो मैं लॉक कर लेता हूँ हमारे एंड्रॉइड फोन को और देख सकते हैं फ्रेंड्स, लॉक स्क्रीन इस तरह का आपको इंटरफेस आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए, और इस तरह से आप स्वाइप करते हो तो फ्रेंड्स आपको इस तरह का नज़र आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे अगर आप नीचे से स्वाइप करते हो, देख सकते हैं इस तरह से आप स्वाइप करते हो तो आपका एंड्रॉइड फोन में आपको इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेंगे। तो हमारे एंड्रॉइड फोन को मैं अनलॉक कर लेता हूँ। तो देखिए, तो मैंने आप लोगों को लॉक स्क्रीन के बारे में बता दिया। इसके बाद मैं आप लोगों को बता रहा हूँ फाइल मैनेजर की। तो फाइल मैनेजर पे मैं क्लिक कर रहा था, फाइल मैनेजर पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, पहले से आपको चेंजेस ही आपको देखने को मिले। और फोल्डर की बात करें तो फोल्डर भी आपको पूरी तरह से आपको चेंजेस ही आपको देखने को मिलेंगे, देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ से अभी मैं बैक कर लेता हूँ। और MP3 की जो आइकन होती है वो भी चेंज हो चुके हैं, यहाँ पे आपको देखने के लिए देख सकते हैं। तो बैक कर लीजिए। तो मैं आप लोगों को अभी इस थीम को अप्लाई करने बता रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं इस थीम को यहाँ से हटा लेता हूँ, यानी कि रिमूव कर लेता हूँ। इसके बाद मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से बताऊंगा, ताकि आप अपने एंड्रॉइड फोन में बहुत ही आसानी से आप अप्लाई कर सकें। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने इस थीम को रिमूव कर लिया हमारे एंड्रॉइड फोन से। तो मैं आप लोगों को अभी स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। तो इस थीम को अप्लाई करने से पहले मैं आप लोगों को इसका प्रोसेस को बताता हूँ, ताकि आप अपने एंड्रॉइड फोन में इस थीम को इस तरह से अप्लाई करोगे तो फ्रेंड्स बहुत ही प्रॉपर तरीके से वर्क करेंगे। तो सबसे पहले अपने एंड्रॉइड फोन में आपको थीम स्टोर ऐप को आपको क्लिक एंड होल्ड करना है कुछ देर के लिए। तो मैं यहाँ पे क्लिक एंड होल्ड करता हूँ। इसके बाद यहाँ पे आपको देखने के लिए ऐप इन्फो, तो ऐप इन्फो पर आपको क्लिक करना है। ऐप इन्फो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको देखने के लिए स्टोरेज यूजेज, तो इस पर आपको क्लिक करना है। स्टोरेज यूजेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मेरे क्लियर डाटा और क्लियर कैच, तो आपको इन दोनों को आपको क्लियर कर देना है। तो मैं ऊपर वाला को क्लियर कर लेता हूँ तो ऑटोमेटिक से दोनों क्लियर हो जाएंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से मैंने इन दोनों को क्लियर कर दिया। इसके बाद यहाँ से अभी मैं बैक कर लेता हूँ। तो इसके बाद आप अपने एंड्रॉइड फोन में आप इस थीम को आप जहाँ डाउनलोड करके रखे हैं वहाँ आपको चला जाना है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस थीम का डाउनलोड लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फाइल मैनेजर पे चले जाता, तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने इस थीम पे आ चुका हूँ। तो इस थीम पे मैं क्लिक करता हूँ iOS 15 थीम पे, तो यहाँ पे मैं अलाउ कर लेता हूँ। और दोस्तों, यहाँ पे अगर एक बार में लोडिंग ना हो तो आपको बैक करना है, फिर इस थीम को आपको ओपन कर लेना है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने इस थीम को ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेंगे थीम का। अगर फ्रेंड्स आप इस थीम को कलर OS 7.8 में आप अप्लाई करते हो तो फ्रेंड्स आपको इस तरह से आपको नजर आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको पूरी तरह से आपको चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, नोटिफिकेशन बार भी आपको पूरी तरह से आपको चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, आपको बहुत ही ज़्यादा आपको डिफरेंस आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं आप लोगों को इसे अप्लाई करने बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको देखने को मेरे फ्री ट्रायल, तो इस पर आपको क्लिक करना है फ्रेंड्स। और ये जो हमारे एंड्रॉइड फोन में ये थीम अप्लाई हो रहे हैं, तो देखिए फ्रेंड्स, तो कुछ समय के लिए वेट कर लीजिए। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने इस थीम को हमारे एंड्रॉइड फोन में अप्लाई किया। अप्लाई करने को तो फ्रेंड्स आपको अपने एंड्रॉइड फोन को आपको एक बार स्विच ऑफ आपको कर लेना है, इसके बाद आपको ऑन कर लेना है, यानी कि आपको रीस्टार्ट कर लेना है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने हमारे एंड्रॉइड फोन को रीस्टार्ट कर लिया। इसके बाद आपको इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद ये थीम आपका एंड्रॉइड फोन में प्रॉपर तरीके से वर्क करने लगेंगे फ्रेंड्स। तो आज का वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आए। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ घंटी के बटन से और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे हर अपडेट वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले। तो चले, तब मिलता है अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।